मेरे लिए भी दुआ कर देना। उमेर, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कसम से यार, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ये जो शैतान है ना, वो मेरे और नमाज के बीच में आ जाता है, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है। हाँ, देखिए मैंने तुम्हारी कोशिश, सुबह नमाज के वक्त तुम सो रहे होते हो या फिर कोई अपने फजूल से काम कर रहे होते हो। नमाज में कौन सी मेहनत और मशक्कत लगती है? एक मस्जिद तो जाना होता है, मस्जिद जाओ और नमाज पढ़ लो, इसमें कोशिश कहां से आ गई? चला यार, बस करो ये बातें प्लीज, मेरा एक काम कर दो, वो मेरे कुछ दोस्त आने हैं शाम को, उनके लिए खाना बना दो। उमेर, मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रही हूँ, तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा ठीक है ना, मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, लेकिन प्लीज आज खाना तो बना दो। हाँ बना दूंगी, मगर मगर क्या? मगर तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम कल से नहीं बल्कि आज से ही शुरू करोगे और कोशिश करोगे कि नमाज की पाबंदी करो। अच्छा ठीक है, नमाज की पाबंदी करूंगा। ठीक है, अब क्या मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बता दूं कि तुम खाना बना रही हो और वो आ जाए, और प्लीज मुझे धोखा मत देना। पहले कभी धोखा दिया है क्या? नहीं, धोखा तुमने आज तक मुझे नहीं दिया, और इसलिए मैं खुद से ज्यादा तुम पर एतमाद करता हूँ। हो मर्जी जो तेरी, होता है वही अब जान गया। भीगी आँखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा सुन ले तू वाला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे। ये लो बेटा नाश्ता करो। और मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस से छुट्टी ले लो, तुम्हारी मंगनी की अनीका के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। मंगनी की शॉपिंग? हाँ, नसरीन भाभी और मंसूर भाईजान ने तो मंगनी की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुल्ताना भाभी से आज मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी। मैं सोच रही हूँ कल हम भी शॉपिंग पे चलते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, कोई बात है? मम्मी मुझे लगता है कि अनीका मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। अनीका ने कुछ कहा है? नहीं मम्मी, वो क्या कहेगी मुझसे, मुझे उसके एटीट्यूड से लगता है, और वैसे भी जब मैं वहां पर जाता हूँ तो उसका रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं। बेटे शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, शर्माती है वह तुमसे और कोई बात नहीं है। शर्माना अलग होता है और इग्नोर करना अलग। अरे तुम उसकी आदत को जानते हो ना, मजाक करती है तुमसे और कोई बात नहीं है। अभी मुझे फिर भी लगता है कि आपको उससे एक बार पूछ लेना चाहिए। पूछने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो मुझसे खुद बोल देती। और तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुमने देखा नहीं वो कैसे फुफ्फो फुफ्फो कहती आगे पीछे घूमती है मेरे? अगर ऐसी वैसी बात होती तो इस तरह से जाने चावर करती मुझ पर? वो तुमसे मजाक करती है और तुम उसकी हर बात को दिल पर ले लेती हो, पकला कहीं का। अच्छा नाश्ता करो और कल की छुट्टी पक्की है तुम्हारी, छुट्टी लेके आना। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। मुताहिर ने अभी तक मंगनी से मना नहीं किया और मुझे वहां मंगनी नहीं करनी है, पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहा है। उमेर तुम कुछ करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ भाई?
है। तुम ताही जान से बात करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे तंग आ गई हो, मैं खुदकुशी कर लूं? कह दो। ऐसा नहीं कहा मैंने। भाई अम्मी से मैं नहीं बात कर सकता, उनसे बात करने का मतलब है कि मेरी शामत आ गई और मुझे उसका कोई शौक नहीं। सॉरी। अच्छा, दोस्ती की तो वैसे बड़ी बातें करते हो तुम। ये है तुम्हारी दोस्ती? बोलो। हाँ ये है मेरी दोस्ती, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत अजीज है, मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। और अगर तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा है ना तो तुम फातिमा से बात करो, वैसे भी वो अम्मी की फेवरेट है, अम्मी उसकी बात सुनती है। हनीका तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ताई अम्मी से जाकर ये बात कहूं? हाँ, क्योंकि मेरा ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। अनिका तुम चच्ची से बात क्यों नहीं करती हो? की है, एक बार नहीं बल्कि हजार बार की है, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम अगर ताई जान से बात करोगी ना तो वो जरूर मानेगी और इस रिश्ते से भी मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन तुम क्यों चाहती हो कि ये रिश्ता खत्म हो जाए? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताती, तुम मेरी दोस्त नहीं हो क्या? तुम बस ताई जान से एक बार बात कर लो प्लीज। लेकिन अनिका मैं क्या? लेकिन हाँ, वैसे तो तुम बहुत इस्लाम की बातें करती हो। कहाँ इस्लाम में लिखा है कि लड़की की रजामंदी के बगैर उसकी शादी कर दी जाए? अल्लाह की रजा के लिए मेरी मदद कर दो प्लीज। ताई जान से बात करोगी ना? करोगी ना? शाहीन, ये तुमने अलमारियां साफ की हैं? बस सामने सामने की लिपा पोती कर देती हो तुम, और बट्टी देखना जरा सामने, ये भी नजर आ रही है, कमाल करती हो भाई। और फातिमा बेटा, आबदा आएगी ना उससे कहना ढंग से कपड़े धोकर जाए, उल्टा सीधा काम कर जाती है। और हाँ, एक नजर स्टोर पे भी डालो, तुम्हें शाहीन का हाल तो पता ही है, काम चोर होती जा रही है ये भी। जी ताई अम्मी। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देख क्या रही हो मेरी शक्ल? अरे फातिमा, तुम यहाँ क्यों ऐसे खड़ी हो, खैरियत तो है? वो ताई अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो अनिका मुताहिर से मंगनी नहीं करना चाहती। क्या तुम होश में तो हो? जानती हो तुम कह क्या रही हो? जी ताई अम्मी, आप प्लीज ये रिश्ता मत करें। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? अनिका ने कुछ कहा है? शाहीन जाओ फौरन अनिका को बुला के लाओ। जी अच्छे, जाओ फौरन। अनिका बीबी, अनिका बीबी, अनिका बीबी, अनिका बीबी। वो अनिका बीबी, वो आपको बड़ी बीबी बुला रही। क्या हो गया है? हर वक्त हवा के घोड़े पर तुम क्यों सवार रहती हो? आराम से भी बात हो सकती है। वो मेरा बस चलता, मैं तो उड़ के आ जाती, जल्दी चलें। बड़ी बीबी आपको बुला रही है, बहुत गुस्से में भी है। चलो।
फातिमा से क्या कहा है? मैंने मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने फातिमा से कहा है कि तुम मुताहिर से शादी नहीं करना चाहती? मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ? मेरी तो फातिमा से कोई बात नहीं हुई ताई अम्मी। फातिमा अनिका तो मना कर रही है कि इसने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर तुमने ये झूठ कैसे बोल दिया? भाईजान मेरी तो इस बारे में फातिमा से कोई बात नहीं हुई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए फातिमा, इतना बड़ा झूठ तुमने बोला है। मैं तो तुम्हें बहुत जिम्मेदार समझती थी। I'm sorry, ताइमी। हो सकता है मुझे सुनने में कोई गलत फहमी हो गई। सुनने में गलती हो गई, इससे मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रही हूँ। अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ताइमी। I'm really sorry. मेरा यकीन करो, ताईजान के सामने मैं सच नहीं कह सकती थी, मेरी मजबूरी को समझो। उनका गुस्सा इतना खतरनाक है कि अगर मैं सच कह देती तो मेरी शामत आ जाती। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम चुप रही। जाओ यहां से। प्लीज फातिमा मेरी मजबूरी समझो, मैं बहुत डर गई थी और ना चाहते हुए भी मुझे झूठ बोलना पड़ा। अनिका तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे झूठ की वजह से मुझे ताई अम्मी के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उन्होंने इतना गुस्सा किया है मुझ पे। तुम तो उनकी इतनी फेवरेट हो ना, तुम पर कितना गुस्सा किया उन्होंने। और मैं तो उनकी फेवरेट भी नहीं हूं और ना ही वो मुझे पसंद करती हैं। सोचो अगर मैं सच कह देती तो मेरी क्या शामत आती। अगर उनका बस चले ना तो वो मुझे और अम्मी को इस घर से निकाल दें। पापा की डेथ के बाद कोई मुझे नहीं पसंद करता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। नहीं अनिका, ऐसे तो मत कहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस रहने दो, कोई फायदा नहीं है, कोई मेरे साथ भी नहीं है, सब बस कहते रहते। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि मेरे बाबा नहीं। अनिका प्लीज, I'm sorry, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। ये सब अल्लाह की आजमाइश है, इसमें जरूर अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया यार। I'm sorry। कोई बात नहीं।
कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था। हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आँखों से मैंने है जो तुझको सुनाई अब तो मेरे खुदा सुन ले तू वाला रंग दे ये खाली दामन भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे वो बारिश कर दे मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। फिर क्या हुआ निका? फिर तो उसकी शक्ल ही उतर गई थी, देखने वाली हो रही थी उसकी शक्ल, उल्टा मुझसे ही माफी मांगने लग गई। रेली? हाँ यार, मैं तुम लोगों से भी झूठ बोलूंगी क्या? वैसे अनिका मानना पड़ेगा, हालात का रुख बदलना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, मगर यार तुम्हारी कजन बहुत मासूम है, तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मासूम? अरे तुम उसे जानती नहीं हो, इतनी घुन्नी मीसनी है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जितने वो काम नहीं करती ना उतनी तो तारीफें बटोर लेती है, और हम तो हैं मुंह फट, तुम और मैं हर बात शेयर करते हैं, हर बात खुल के बोल देते हैं, मगर वो अपने आप को कभी एक्सपोज नहीं करती, हर बात दिल में रखती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अनिका तुमने मुझे बुलाया? हाँ। आतफा तुम्हें बताए फातिमा चाय बहुत अच्छी बनाती है, फातिमा तुम हमारे लिए चाय बना दोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं भी बना देती हूँ। और सुनो तुम हमारे लिए कटलेट्स बना दोगी, क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स भी आ रहे हैं ना। तुम्हें पता है इशरत तो सहर खाकर गए थे ना, इतनी तारीफें की थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम खाओगी ना तो तुम भी फैन हो जाओगी, है ना फातिमा? मैं बना कर लाती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। थैंक्स। लो जी आ गया मैडम को फोन, अभी देखना। हेलो यार कुत्सिया कहाँ रह गई हो? आतफा इतनी देर से आई हुई, कब से पूछ रही तुम्हारा? अच्छा जल्दी आओ। हाँ हाँ मैंने सब कुछ बनवा लिया, तुम आ तो जाओ। ओके बाय। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? तुम्हारी कजन की बुराई और क्या। फातिमा यार तुम गाँव में, तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। और ये क्या कर रही हो? वो अनिका के कुछ फ्रेंड्स आई हुई हैं, उन्हें मेरे हाथ के कटलेट्स बहुत पसंद है, वही बना रही। सही टोपी पहनाती है तुम्हें क्या? कुछ नहीं यार, बात ये है कि संडे को ना मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, ये कोई 5-6 ज्यादा नहीं है, तो प्लीज खाना बना देना। उमेर मंडे को तो मेरा टेस्ट है और संडे को मुझे उसकी तैयारी करनी है, मैं शाहीन से कह दूंगी वो बना देगी। नहीं प्लीज, शाहीन के हाथ का खाने से बेहतर है कि बंदा जहर खा ले यार। और बहाने शुरू हो गए ना, अनिका के दोस्तों के लिए तो कोई बहाना नहीं, मेरी बारी आई तो फौरन बहाने। तो जैसे तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं हो ना। ऐसी बात नहीं है उमेर, तुम भी मेरे कजन हो। सिर्फ कजन? अनिका से ज्यादा तो मेरा हक है ना तुम पर, है ना ऐसा?
मैं बना दूंगी। बस यही मैं चाहता था। संडे प्लीज याद से, सिर्फ 5-6 लोग, ठीक है? थैंक यू। सिर्फ कजन अनीका से ज्यादा तो मेरा हक है ना तुम पर, है ना ऐसा? बाबा आ जाओ बेटा। आपने बुलाया? हाँ बेटा बुलाया, बैठो बैठो। ये देखो, खुद खोल कर देखो। ये क्या है? देखो तो। कैसा? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये मेरी बेटी का है। बहुत अच्छा है। मगर जानता हूँ बेटा कि ये आर्टिफिशियल है, गोल्ड का नहीं। तुम तो जानती हो तुम्हारा बाबा एक स्कूल टीचर है और उसकी हैसियत। बाबा मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है, आपने क्यों पैसे खर्च किए? ये इसलिए कि मेरी बेटी इसे अनीका की मंगनी में पहने हैं। और एक और बात है, ये कुछ पैसे रख लो बाबा, इसके साथ मैचिंग का एक सूट ले लेना अपने लिए। ये लो, ठीक है? चल रहा जजाकर। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जी सर, मेरी बेटी जीती रहे और फले फूले। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आऊं। शुक्रिया। देखिए भाभी कितना अच्छा है, इतने दिन लगाए इस जोड़े को मैंने ढूंढने में, कसम से पूरे 3 दिन बाद जाके ये जोड़ा पसंद आया मुझे। ये बात तो सही है, घर के सारे काम काज छोड़कर बस शॉपिंग में लगी हुई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अम्मा जी घर के काम तो सारी जिंदगी होते ही रहेंगे, ये खुशी का मौका फिर थोड़ी आना क्यों भाभी? अरे फातिमा बेटा शाहीन से कहो कुछ नाश्ता चाय शरबत कुछ दे। चीता अम्मी। सुल्ताना भाभी आप बताएं ना आपको कैसा लगा? माशाल्लाह कितना प्यारा। अम्मा जी वो जेवर कहाँ है? ये असल चीज तो मैं दिखाना ही भूल गई, आप देखेंगी तो दंग रह जाएंगी। ये देखें कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। आप भी देखें सुल्ताना भाभी, ये बुद्धा बाहर निकाल के देखे ना कितना वजनी है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। शादी पे इससे भी ज्यादा बेहतरीन सेट चढ़ाऊंगी अपनी बहू को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अनिका बेटे ये देखो अपनी मंगनी का सामान, और ये जोड़ा देखो कितना खूबसूरत है। हाँ बस ठीक है, देखिए मैंने अच्छा है। थक गई है, रात भर पढ़ती रही है ना, इसलिए थकन की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसे। जब उठ के देखेगी ना साइमा, हर चीज उसे बहुत पसंद आएगी। वो जरा सेट तो दिखाएं मुझे दोबारा। लगता है सेट ज्यादा पसंद आ गया भाभी को। सब कुछ है ही अच्छा। बहुत प्यारा है। अनिका क्या है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनो, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ और तुम्हारी बातें सुनने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज।
मुताहिर मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वो ताई अम्मी ने कहा था कि तुम्हें चाय दे दूं, ये लो। थैंक यू। छोटी बीबी, बेगम साहिबा ने चीजें भेजी, कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दो, यहां रखो। क्या भाई, ये सारा सामान यहां रख दिया, अलमारी में संभाल के रखना चाहिए था ना। अम्मी, आप फूफो को मना करेंगे या मैं खुद जाके उन्हें मना कर दूं? हरगिज नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और मैं हरगिज मुताहिर से शादी नहीं करूंगी। ताईजान और ताईजान को जाकर समझा दे, ये मेरी जिद है। तुम्हारी इन्हीं जिदों की वजह से नसरीन भाभी तुमसे नाला रहती है। फातिमा को देखो, वो भी तो है, हर बात सर झुकाकर मानती है, सुनती है उनकी बात वो। मैं फातिमा नहीं हूं और ना ही मैं फातिमा जैसा बनना चाहती हूँ। अरे फातिमा का बस चले ना तो उनके कदमों में आकर बैठ जाए। जी जी हुजूरी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती मैं। और आप भी कान खोल कर सुन ले, मैं मुताहिर से शादी हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, ना करो। क्या आप सच कह रही हैं? सच कह रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताएं, इसके अलावा आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। तुम्हें फिल वक्त मुताहिर से मंगनी करनी होगी। हाँ, ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी शादी मुताहिर से हरगिज नहीं होगी। ये आप क्या कह रही हैं? मुताहिर बेटा, अम्मा जी नसरीन भाभी के कमरे में है, उन्हें बुला के ले आओ, काफी टाइम हो चुका, निकलते हैं, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना होगा। मुताहिर जी। अम्मी। बेटे, मैं तुमसे बात कर रही थी, तुमने जवाब भी नहीं दिया। किन सोचों में गुम हो, क्या हुआ है, कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो। अच्छा जाओ, अम्मा जी को बुला के लाओ, नसरीन भाभी के कमरे में, निकलते हैं। जी। इधर आओ, मेरी बात समझो।
देखो अनिका, अगर हम भाईजन और भाभी को ऐसे स्ट्रेट मना करेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और इतनी मेहनत से जो मैंने उनके दिल में तुम्हारा मुकाम बनाया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा तरीकेकार निकालना होगा कि तुम्हारी मंगनी तो मुताहिर से हो लेकिन शादी नहीं। या क्या कह रही हैं आप जानती हैं? एक बार अगर मंगनी हो गई ना तो शादी भी हो जाएगी। मंगनी का क्या है, मंगनियां तो अक्सर टूट भी जाया करते हैं। ये मंगनी होगी तो जरूर, लेकिन ज्यादा अरसे चलेगी नहीं। तुम फिक्र ना करो, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अम्मा जी, ये आपकी चाय। जी दूधो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। चलता हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे याद आया एक बहुत जरूरी बात तुमसे करनी थी। कही? मैं सोच रही थी कि ऑफिस से कुछ एडवांस पैसे ले लो, सारे पैसे खत्म हो गए। क्या कह रही हैं आप अम्मा? अभी पिछले ही हफ्ते तो मैंने आपको अपनी सारी सैलरी निकाल कर दी थी, एक ही हफ्ते में खर्च कर दी आपने। बेटे मैंने कौन सा अपने ऊपर पैसे खर्च किए? तुम्हारी मंगनी की शॉपिंग की है इसलिए खर्च हो गए। अम्मी अभी इसकी जरूरत नहीं थी, और अगर शॉपिंग करनी भी थी आपने तो अपनी रेंज को देखना चाहिए ना। बेटा यही बात मैं तुम्हारी माँ को समझा रही थी, कम से कम इंसान को अपनी चादर देख के पांव फैलाना चाहिए। देखो कितनी महंगी चीजें लाई हैं। अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? जानती हैं अनिका को कोई आम चीज पसंद नहीं आती, उसके लाइफस्टाइल का पता है आपको। मंगनी की शॉपिंग के लिए उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा ना बेटा हमें। तो ठीक है ना अम्मी, अगर ऐसा लाइफस्टाइल है तो रहे अपने घर पर, मैं तो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। और अम्मी अगर अभी से ऐसा हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? बेटा शादी की फिक्र तुम मत करो, मेरे भाईजन हैं ना सब कर देंगे। तुम जानते हो ना वो अनिका से कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम देखना मेरे भाईजन इंशाल्लाह मेरा घर पूरा भर देंगे। तुम्हारी माँ को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह इस औरत को अकल दे। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you.